हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपको साथ ही साथ छोटे छोटे टिप्स भी देने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है प्रिंसेस कट कुर्ती बनाने के लिए। मैं ए लाइन कुर्ती बनाने वाली हूँ चौक के बिना। जो ए लाइन कुर्ती बनती है वैसी आप चाहे तो चौक वाली भी बना सकते हैं। तो आपको लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैब्रिक लेना होगा, जितनी लेंथ चाहिए उतना। मुझे यहाँ पर 38 लेंथ चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक टोटल ले लिया है। ये डबल फोल्ड में है। ये देखिए, ये वन एक हो गई लेयर हमारी। तो हमें यह रॉन्ग साइड फैब्रिक है, इसे हम रॉन्ग साइड के तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमें जो है कटिंग करना है तो रॉन्ग साइड ही करना होता है। जो भी हमारी मार्किंग होती है वो फैब्रिक के रॉन्ग साइड चले जाती है। इसके लिए मैंने इसे जो है उल्टा, फैब्रिक को जो है उल्टा करके इस तरह फोल्ड कर ली है, पन्ने में फोल्ड किया इस तरह से। ये देखिए रॉन्ग साइड है। अब इसे हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड। इस तरह मेरा जो है ये 4 फोल्ड हो गया फैब्रिक। अगर आप लोगों के फैब्रिक में ऐसा कुछ प्रिंट होता है जिससे आपका जो पीछे का कुर्ता है डबल आगे पीछे के पल्ले काटने में उल्टा हो जाता है, तो आप एक एक फ्रंट का अलग काटे और बैक का पल्ला जो है वो अलग काटे। अभी मेरे फैब्रिक में ऐसा कुछ प्रिंट नहीं, इसीलिए मैं एक साथ ही आगे पीछे का जो है पल्ला कट करूँगी। पहले हम जो हमारे कम ज़्यादा फैब्रिक है यहाँ पर ऊंचा नीचा है, तो उसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें जो है फैब्रिक हमारा कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ लेनी है। मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, मैं पूरा ले लूँगी, तो हमारी तैयार लेंथ जो आएंगी 38 या फिर 39 जो है आ जाएंगी, 39 आ जाएंगी हमारी लेंथ। अब हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी होती है। आप अपना मेजरमेंट टोटल जैसा लेते हैं ना कुर्ते के लिए, सिंपल कुर्ते की कटिंग के लिए वैसे ही लेना है। यहाँ मेरा तैयार शोल्डर जो है 13 इंच है, तो यहाँ पर मैं जो है 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी हाफ करके। 13 का 6.5 आ जाएगा हाफ, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल की लेंथ के लिए भी हम 6.5 इंच ही लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मार्क करने के बाद में हमें जो है शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करना होता है 1/2 इंच पे, तो उसकी मार्किंग हम कर लेंगे। बिल्कुल सेम हमें सादे कुर्ते जैसी कटिंग करना है। थोड़ा बहुत चेंजेस जो होगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती जाऊँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी जो है चेस्ट पहले लेना है। चेस्ट 36 इंच है, उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह। ये हमारी हो गई चेस्ट की मार्किंग। उसके बाद में हमें वेस्ट की लेंथ यहाँ से लेनी है। वेस्ट साइज़ हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर से हमें जो है वेस्ट की लेंथ मिल जाती है 11 या 12 इंच पे। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है 11-12 इंच। तो हम जो कम हाइट के उसे 11 इंच पे लेते हैं, जो ज़्यादा हाइट के उनके 12 इंच पे। तो वेस्ट साइज़ हमारा यहाँ पर जो है वो 32 इंच है, इसका 4th पार्ट अब हम निकाल लेंगे तो ये आ जाता है 8 इंच। 8 इंच पे हमारा जो है वेस्ट साइज़ निकल आता है 4th पार्ट। तो यहाँ 4th पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे वेस्ट साइज़ की 38 इंच पे। अब उसके बाद में चेस्ट के पास से हमें फिर नापना है हिप की लेंथ। हिप जहाँ पर हमारा आएगा उसकी लेंथ, तो ये हम 13 और 14 इंच पे ले लेते हैं। यहाँ मैं 13 इंच पे ले लेती हूँ हिप की, क्योंकि हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं इसके लिए। तो हिप साइज़ हमारा जो है वो हमारा हिप साइज़ है 38 इंच। 38 इंच का भी हम 4th पार्ट निकाल लेंगे। 4th पार्ट हमारा आ जाता है 9.5 इंच। तो हिप की लेंथ जहाँ पर आई है वहीं से ही हम 9.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यह हो गया हमारा हिप राउंड का जो है मार्किंग हो गई। अब ये तीनों ही पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ तक आपने देखा कि सिंपल कुर्ते की कटिंग है। अब हमें जो है इसमें 1.5-1.5 इंच बढ़ाना होता है मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ पर 1.5-1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा लेंगे।
कोई 2 इंच भी बढ़ाते, मैं 1.5 इंच काफ़ी समझती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा लिया है। इसके बाद अब हमें प्रिंसेस कट कुर्ती जो कट करनी होती है उसमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए होता है 1 इंच का। दोनों साइड हमारा 1-1 इंच का मार्जिन आता है। हमने एक फैब्रिक को फोल्ड किया है तो एक ही बार लेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। प्रिंसेस कट कुर्ती की जो कटिंग होती है ना, प्रिंसेस कट, तो उस कटिंग को हमें वापस से जब जोड़ते हैं तो मार्जिन लगता है उसके लिए। अगर नहीं लेंगे मार्जिन तो आपकी जो है कुर्ती फिट हो जाएंगी। इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना होगा। तो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उसके बाद में आपको नीचे से पूरा, अगर चौक बनाना है तो आप चौक वाला बना सकते हैं नीचे बॉटम घेरा लेकर। उसके बाद में अगर आपको मेरी तरह एयरलाइन बनाना है तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के लिए यहाँ मैंने नीचे तक के लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम नीचे की साइड जो है ना कर्व नहीं लेंगे, जो हम 4-3 इंच पे जो हल्का सा कर्व लेते हैं वो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट जोड़ने के टाइम जो ये फैब्रिक ऊपर नीचे होता है तो फिर हमें वापस से इसे लेवल में लाना ही होता है। तो जब हम प्रिंसेस बना लेंगे एंड में हम जब नीचे का मोड़ना होगा तब हम इसे कट कर लेंगे। अभी हम आर्म होल की गहराई ले लेते 1.5 इंच पे। इस तरह से हमने 1.5 इंच का मार्क किया और ये आर्म होल की गोलाई बना ली। अब हमें फ्रंट के लिए जो है वो आर्म होल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये देखिए, पहले हम प्रिंसेस कट का देख लेते। आपका जो भी आर्म होल है 6.5 इंच है, उससे 1 इंच ऊपर यानी कि 5.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क किया है। अब यहाँ से हमें 4 इंच अंदर की तरफ लेना है। ये देखिए, इस साइड से 4 इंच हमें अंदर की तरफ यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है इस तरह। यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ से हमें 4 इंच इस तरह से हम लेंगे। अगर आपका बस्ट साइज़ जो है ऊपर की तरफ है ज़्यादा है, मतलब 38 है 40 है, तो आप 4.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करें। बस्ट साइज़ के हिसाब से जो हमारा बस्ट पॉइंट आता है वो हमें मिलना चाहिए। तो ये बस्ट पॉइंट के लिए हम जो है मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, बस्ट पॉइंट। अब उसके बाद में हमें यहाँ से इस तरह से हल्का सा यहाँ कर्व लेना है आर्म होल के पास से। कर्व लेने के बाद में ये देखिए हमारा बस्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर 4 इंच। अब नीचे की साइड हमें जो है, अगर आप चाहे तो सीधी स्ट्रेट कुर्ती बना रहे तो 4 इंच लीजिए, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी सी एयर लाइन कुर्ती बनाई है तो इसका हम डबल ले लेंगे 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आप सीधी चौक वाली कुर्ती बना रहे तो आप 4 इंच पे ही मार्क करें, लेकिन अगर आप एयरलाइन कुर्ती मेरी तरह बना रहे तो उसको डबल कर दे, 4 की जगह आप 8 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। और फिर ये पॉइंट को अब हमें इस तरह से सीधा मिला लेना है इस तरह, और यहाँ से हल्का सा कर्व शेप दे देना है। ये रही आपकी प्रिंसेस कट की मार्किंग। आर्म होल की गहराई भी हम बाद में इसको फ्रंट के लिए कट कर लेंगे। फ्रंट के लिए 1/2 इंच हमें अंदर की गहराई से आर्म होल कट करना होता है इस तरह। तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ गहराई देते हैं और फिर कट कर लेते हैं। तो पहले हम बैक साइड का ही कट करेंगे, आर्म होल की गहराई कट नहीं करेंगे, ना ही हमें प्रिंसेस की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने एक साथ जो है बाहर के साइड वाली सारी मार्किंग कट कर ली है। अभी हमने आर्म होल की गहराई कट नहीं की है। एक पल्ला हमने जो है ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो अभी हमने ये अलग कर लेना है दोनों। अब हम ये फ्रंट का पल्ला लेंगे इस तरह। अगर आपको प्रिंसेस कट बैक साइड भी होना तो आप एक साथ दोनों भी कट कर सकते हैं। अभी मैं जो है सिर्फ फ्रंट में ही बनाऊंगी तो प्रिंसेस कट, तो इसके लिए मैं सिर्फ फ्रंट का ही कट करूंगी, बैक का नहीं करूंगी। अभी हम आर्म होल की पहले गोलाई कट कर लेते हैं फ्रंट के लिए इस तरह, और प्रिंसेस कट को भी यहाँ पर जो मार्किंग की थी हमने बस्ट की वो भी कट कर लेंगे।
ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी कटिंग कुछ इस तरह हो जाती है। इस तरह से और एक साइड हमारा जो है ये आ जाएगा और दूसरे साइड ये आ जाएगा इस तरह से। इसे हमें वापस से जोड़ना होता है तो जो उसका लुक आता है बाद में वही जो है प्रिंसेस कट का हमारा लुक होता है। तो हम इसे लेस की मदद से जो है जोड़ेंगे। लेस लगाओ तो ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है आपकी कुर्ती में भी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते, सादा बनाना चाहते तो सादा भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, आप जिस भी तरह की लेस लगाना चाहते लगा लीजिए। ये मैंने नागमोड़ी लेस ली है और लेस लगाने के बाद में अब हम इसको भी इस तरह जोड़ लेंगे। या आप जिस तरह स्लीव्स जोड़ते हैं उसी तरह आपको धीरे 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 इसको घुमाकर यहाँ से जोड़ना होता है। इसमें आपका कभी आधा एक इंच छोटा बड़ा भी होता है पल्ला, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना होता है। तो ये देखिए मैंने ये पहले नागमोड़ी लेस ली है, ये मैंने फैब्रिक के क्वार्टर इंच थोड़ा दूर से ही ली है और इसको मैं आधे पर सिलाई लगा रही हूँ। लेस के जो आधा नागमोड़ी है हमारा वो बाहर की तरफ दिखेगा, आधा अंदर की तरफ छुप जाएगा। अब इसके ऊपर हमें जो है ये फैब्रिक लगाना है इस तरह से। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, ये जब कर्व आता है ना तभी हमें थोड़ा सा ढीला हाथ रखते हुए चलाना पड़ता है। इसे आप खींच नहीं सकते, अगर आप खींचेंगे तो आपके फैब्रिक में बल भी आएगा और उसके अलावा आपका जो पल्ला है ये छोटा बड़ा होगा, प्रिंसेस कट भी बराबर नहीं होगा आपका। तो ये देखिए जो सिलाई है लगाई है अभी हमने लेस की, बिल्कुल वही सिलाई के ही ऊपर से हमें चलना है। इस तरह हम पहले रख लेंगे फैब्रिक को एक के ऊपर एक और बराबर सिलाई पर ही हमें चलते जाना है इस तरह से। और ध्यान से हमें सिलाई लगानी है हल्का हाथ रखते हुए, ज़्यादा हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फैब्रिक की कटिंग हुई है ये थोड़ा ऑरेब हो जाता है, तो ऑरेब में कपड़े पनते भी है, इसलिए हमको हल्का हाथ रखते हुए जो है सिलाई लगानी है। थोड़ा सा जो कर्व सिलाई है वहाँ पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे फैब्रिक में ताकि ये इजीली जो है पलट जाए, सीधा हो जाए। तो ये मैंने कट्स लगा लिए छोटे छोटे, ये देखिए ये नागमोड़ी लेस हमने लगाई थी तो अभी ये कंगूरे लेस दिख रही है आपको। आप इस तरह से किसी भी लेस को यहाँ पर अपने फैब्रिक के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ अटैच कर सकते हैं तो उससे आपका जो है प्रिंसेस कट और भी सुंदर नज़र आएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पर आधे इंच का फर्क आ गया है फैब्रिक में, तो यहाँ हम कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है, ये आता है कभी नहीं भी आता है तो उसको हम जो है कट करके बराबर लेवल कर लेते हैं। अब दूसरे साइड भी हम सेम यही प्रोसीजर से लेस लगा लेंगे, उसके बाद में प्रिंसेस कट का दूसरा जो पल्ला है ये जोड़ लेंगे इसमें इस तरह। तो ये मैं एक तरफ का आपको रेडी करके बता दी, दूसरी तरफ का मैंने ऐसे ही लगा लिया है। तो ये देखिए मेरा ये जो है फ्रंट साइड प्रिंसेस कट बिल्कुल रेडी है सिलाई लगाकर लेस के साथ, ये पीछे से इस तरह दिखता है। इसे हम बाद में इंटरलॉक कर लेंगे। अब हम इसे डबल फोल्ड करके इस तरह किनारे कर लेते हैं, बाद में हम इसका फ्रंट नेक बना लेंगे। अब हो गया ये हमारा बैक साइड, बैक साइड का भी हम जो है नेक कट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अभी हमने जो आधा आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब एक इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो वो इस तरह हम रखेंगे। और अब हमारा जो है एक्स्ट्रा मार्जिन जो था एक इंच का, उसको हम बैक साइड को बराबर कर लेंगे काट के। ये हमारा एक साइड, बैक साइड का जो एक इंच एक्स्ट्रा है वो कट करके हम बराबर कर लेंगे। अगर आप पीछे भी प्रिंसेस कट बनाएंगे तो आपको ये कट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे भी ऐसे ही जोड़ लेना है।
नीचे भी हमें जो है कर्व दे देना है, क्योंकि कोने निकल आते अगर ऐसे ही आप फोल्ड कर लेंगे तो कुर्ती के कोने निकल आते। यहाँ 3.5 इंच पे नीचे की तरफ और 3.5 इंच में ऊपर की तरफ हमें मार्क करना है और इस तरह कर्व दे देना है। और जो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे हो गया था पल्ला, उसे भी हमें बराबर कर लेना है। अब हमें बैक साइड का नेक कट करना है। तो आपका नेक की चौड़ाई जितनी भी आप लेते हैं, यहाँ मैंने 2.5 इंच ले लिया है और नेक की लेंथ हम ले लेंगे 3.5 इंच। अगर आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 4 इंच। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे ये नेक कट कर लिया बैक साइड के लिए। और ये फ्रंट साइड हो गया हमारा। फ्रंट साइड के लिए भी हमें नेक का निशान लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ हम जो है 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें जो है बकरम के साथ नेक बनाना है, तो 3.25 इंच का नेक बनेगा। यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे 3.25 इंच पे। और सेंटर मार्किंग कर लेंगे नेक बनाने के लिए। यहाँ हम बकरम से नेक बना लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। आपको हाफ स्लीव्स चाहिए, फुल चाहिए या 3/4 चाहिए, जैसी भी चाहिए आप बना सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पर। और नेक डिज़ाइन बकरम के साथ में नेक डिज़ाइन, नेक बनाने का तरीका, स्लीव्स लगाने का तरीका, मेरी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप अभी तक के नहीं देखे तो चैनल का विज़िट कीजिए, वहाँ जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए स्लीव्स की तो उसकी हमारे जो स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग है उसका भी हमारा जो है वीडियोस डाल रखी है मैंने, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स बनाने का तरीका एक बार फिर बताया है। ये देखिए, हमारी अगर 6.5 इंच काम होल है तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, यानी कि 8.5 इंच मैंने यहाँ लिया। उसके बाद में ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया। 3 इंच पे मार्क करने के बाद स्लीव्स का शेप दिया है। अब हमें 3/4 स्लीव्स चाहिए तो मैंने 17 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया है। स्लीव्स की नीचे से हमें कफ की चौड़ाई 5 इंच चाहिए, तो यहाँ मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। और हम यहाँ पर जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ऊपर आर्म होल से लेकर नीचे कफ तक के हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है। बीच में से हमारा जो है ये जॉइंट आ गया है, क्योंकि हमने ए लाइन कुर्ती बनाई है, इसलिए फैब्रिक की थोड़ी सी यहाँ पर कमी हो जाती है, तो बीच में हमारी स्लीव्स में जॉइंट आता ही है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है आगे पीछे के दोनों पल्ले, स्लीव्स के दोनों पीछे पीछे के पल्ले अलग कर लिए हैं। आगे आगे के पल्ले को मैंने एक साथ रख के यहाँ पर कट कर लिया है। आर्म होल की हम गहराई करते हैं तो स्लीव्स की भी हमें 1/2 इंच की गहराई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि फिटिंग जो है हमारी परफेक्ट आती है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की फ्रंट साइड दोनों भी। देखिए, स्लीव्स की फ्रंट साइड हो गई हमारी दोनों भी। इसकी बैक साइड हम इसके ऊपर इस तरह अलग अलग जमा लेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गई हमारी एक स्लीव्स, ये हो गई दूसरी स्लीव्स। इसे भी मैं जब बीच में ज्वाइंट करूँगी तो हमारी जो लेस है नागमुड़ी लेस, उसके साथ में ही ज्वाइंट कर लूँगी। अभी हम फिलहाल में नेक बनाते हैं। नेक बनाने के लिए यहाँ पे वी शेप का मैंने बकरम ले लिया है। बकरम को मैं एक फैब्रिक के साथ अटैच करके यहाँ पर नेक बना लूँगी, वी नेक।
बैक साइड का नेक हमने राउंड शेप में कट किया था 2.5 इंच पे। यहाँ पर मैंने वही शेप की बिल्कुल पट्टी कट की है 1 इंच चौड़ी। इसे भी हम पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद में हम नेक बना लेंगे, फ्रंट का नेक बना लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में हम स्लीव्स लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने रेडी कर लिया है। नेक मैंने वी बनाया है, उसमें भी नागमुड़ी लेस लगाई, स्लीव्स को ज्वाइंट करते समय भी मैंने उसमें लेस लगाई है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्लीव्स ज्वाइंट किए। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद में पूरा रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पर लगा लेंगे फिटिंग। फिटिंग लगाने का सेम वही प्रोसीजर है जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पर, तो 1.5 इंच पे वापस से हम मार्किंग कर लेंगे और हमारे फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगी। डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने, अभी वापस से हमें 1.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेना है। तेरह इंच पे हमने हिप राउंड लिया था, यहाँ से नाप लेंगे हम एक बार। फिर से हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें जो है थोड़ा कम करते करते हिप राउंड से नीचे तक के 1/2 इंच ले लेना है मार्जिन का सिलाई के लिए। दूसरे साइड भी हम बिल्कुल ऐसे ही 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तेरह इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। नीचे तक के हमें जो है 1/2 इंच कर देना है सिलाई लगाने के लिए। नीचे की तरफ भी जब हम फिटिंग लगा लेंगे उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें 1/2 इंच का मोड़ते हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई लगा लेना है। आस्तीन भी हमें 5 इंच यहाँ पर कफ चाहिए, तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ से हमें जो है आस्तीन को मिला लेना है इस तरह से। दूसरे साइड की आस्तीन भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 5 इंच पे कप बनाएंगे और पूरा नीचे तक के निशान लगाकर इस तरह हमारी जो है कुर्ती रेडी हो जाएंगी, प्रिंसेस कट कुर्ती। अगर आप लोगों को मेरी ये कटिंग स्टिचिंग का तरीका अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।